रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुरभि सबके लिए खाना बना रही होती है कि तभी उसकी ननद दीपिका रसोई में आती है और बोलती है, सुरभि जरा मेरे लिए आप मिल्क शेक बना देना और हाँ उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल देना। ठीक है ननद जी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं पर मिल्क शेक बना कर लाती हूँ। सुरभि कमरे में मत लाना, मैं यहीं किचन में ही हूँ। मैं भी तो देखूँ कि मेरी गरीब भाभी को मिल्क शेक बनाना आता भी है या नहीं। ननद जी आप जाइए और चिंता मत कीजिए, मुझे आता है मिल्क शेक बनाना। अच्छा अब गरीबों को भी इतनी महंगी चीज बनाने आने लगी। वैसे आती ही होंगी क्योंकि दूसरों के घरों में काम करके ही तो ये सब सीखा है ना तुमने। क्यों सही कह रही हूँ ना मैं? ननद जी आप मेरा क्यों मजाक बनाती हो, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आपकी सारी जरूरतों को पूरी कर सकूं। मैं यहाँ आपकी भाभी बनकर आई हूँ, न कि घर की नौकरानी बनकर। मैं नहीं मानती किसी गरीब को अपनी भाभी, वो तो माँ और भैया को आप पर तरस आ गया होगा और बना दिया उन्होंने आपको इस घर की बहू, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है ननद जी माफ़ी चाहूँगी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। माफ़ी मांगनी भी चाहिए, एक तो पता नहीं मेरी माँ और भैया पर कौन सा जादू कर दिया, वो तुम जैसी गरीब को मेरी भाभी बना कर ले आए। अब जल्दी से मिल्क शेक बनाओ। जब से सुरभि शादी करके अमीर घर में आई थी तब से उसकी ननद उसे गरीबी का ताना दिया करती। हर वक्त दीपिका अपनी भाभी को जलील करती रहती, लेकिन सुरभि फिर भी अपनी ननद को ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी, जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलने देती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दीपिका को कॉलेज जाने के लिए काफी ज्यादा देर हो रही थी। वो जल्दी से नाश्ता करने आती है तो देखती है कि नाश्ते की टेबल पर रात की बची रोटी रखी है। ये देखकर दीपिका अपनी भाभी से कहती है, सुरभि ये क्या है, तुमसे कितनी बार कहा है कि ये गरीबों वाला नाश्ता मेरे लिए मत बनाया करो। लेकिन ननद जी चाय के साथ आप रोटी ही खा लो तो खत्म हो जाए, मैं अभी नमक और तेल लगाकर सेक देती हूँ, तब ये खाने में और भी अच्छी लगेगी। यही तो दिक्कत है कि तुमने मुझे भी अपनी तरह ही समझ लिया। अरे तुम्हारा और मेरा स्टैंडर्ड बहुत अलग है, तुम बार बार भूल क्यों जाती हो कि तुम कितनी गरीब हो। ननद जी गरीब और अमीर की भूख तो एक ही होती है ना। भूख भले ही एक होती है, लेकिन भूख को मिटाने के लिए हम अमीरों के कई अलग अलग रास्ते होते हैं। तुम्हारी तरह ये रात का बचा हुआ खाना ही हमारे लिए रास्ता नहीं है, समझी तुम। मैंने तो बस इसलिए किया ताकि रात की बची रोटियां भी खत्म हो जाए और सबका सुबह का नाश्ता भी हो जाए। मैंने तो सबके भले के लिए ही सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। ये मुझे तो क्या, हर किसी नॉर्मल इंसान को भी पसंद ना आए। अरे भले ही तुम गरीब घर से आई हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी अमीर घर में हो गई है ना, तो अब तो हमारी तरह सोच रखो तुम। माफ करना ननद जी, मैं भले ही अमीर घर में शादी करके आई हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि फिजूल में पैसे बर्बाद हों, इसलिए बस मैं रात के खाने को खराब नहीं जाने दे सकती थी। ओ शट अप, तुम अपनी वजह से हम सबकी तबीयत खराब करना चाहती हो ना ये बासी खाना खिलाकर, यही मतलब है ना तुम्हारा। मैं सब समझती हूँ। आपकी बात ठीक है, लेकिन अब इस घर के बारे में मैं भी सोच सकती हूँ। जैसे आप इस घर की बेटी हैं, वैसे मैं भी इस घर की बहू हूँ, तो आप बार बार टोकती रहेंगी, इसमें ना आपको अच्छा लगेगा और ना ही मुझे। ओ प्लीज आप अपना और मेरा कंपैरिजन तो करो ही मत, तुम गवार गरीब अब मेरी बराबरी कर रही हो। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मैं ये बकवास नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। अगर आपने मेरे लिए अभी इसी वक्त कुछ अच्छा नहीं बनाया खाने के लिए, तो मैं आपको इस घर से निकलवा भी सकती हूँ। दीपिका की बात सुनकर सुरभि थोड़ी डर जाती है और उसके लिए ताज़ा अच्छा खाना बनाती है। दीपिका कभी भी ये नहीं सोचती कि वो अपनी भाभी का अपमान कर रही है, वो बस हर वक्त उसे नीचा ही दिखाती रहती। ऐसे ही एक दिन दीपिका के जूते कीचड़ की वजह से गंदे हो गए थे। दरवाजे पर ही दीपिका अपनी भाभी को आवाज लगा कर बुलाती है और कहती है, भाभी मेरे जूतों में कीचड़ लग गया है, जरा इसे साफ कर दो। दीपिका चिल्ला चिल्ला कर अपनी भाभी से अपने जूते साफ करने को बोल रही थी कि तभी वहाँ पड़ोस की आंटी रमा आती है और दीपिका से कहती है, दीपिका बेटा ऐसे मोहल्ले में खड़े होकर अपनी ही भाभी को जूते साफ करने के लिए बोलना क्या अच्छा लगता है? अगर जूते ही साफ करवाने हैं तो घर में जाकर अपनी भाभी से प्यार से भी बोल सकती है ना। आंटी जी मेरी भाभी आपकी और मेरी तरह अमीर घर से नहीं है, उनको ऐसे ही आदत है, और वैसे भी अब एक गरीब को इतनी अमीरी की जिंदगी भी जीने की कहाँ आदत होगी ना। दीपिका बेटा
गरीब घर से आई जरूर है तेरी भाभी, लेकिन अब एक अमीर घर की बहू है, तो अब तू उसे ऐसे बोलेगी तो उसे भी बुरा लगता होगा ना। थोड़ा तो अपनी भाभी के बारे में सोच। अरे मैं तो यही कहती हूँ कि बुरा लग रहा है तो लगे, चार बार लगे और लगे, कम से कम मेरी गरीब भाभी अपनी औकात तो नहीं भूलेगी ना, अपनी हद में रहेगी वो। बेटा तू अभी नहीं समझ रही है, लेकिन कल को तेरी भी शादी होगी, और भगवान न करे कि तेरी शादी किसी गरीब घर में हो गई तो तब क्या होगा, तुझ में और तेरी भाभी में कोई अंतर नहीं होगा। आंटी जी आपको इतनी हमदर्दी क्यों आ रही है, मैं आपकी बहू को ऐसे तो नहीं बोल रही ना, फिर आपको क्यों मिर्ची लग रही है, और मेरी शादी किसी चिंदी गरीब से नहीं होगी ना, ठीक है ना। दीपिका अपनी पड़ोसन रमा को भी करारा जवाब देकर अंदर चली जाती है। दीपिका अपनी भाभी के साथ काफी ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। कुछ दिनों बाद सुरभि अपनी माँ के घर गई होती है, तो दीपिका को ही घर का सारा काम करना होता है। ऐसे में दीपिका घर का काम कर रही थी, तभी उसकी माँ माला उसे बुलाती है और कहती है, बेटा जरा एक कप चाय ले आ, सर में बहुत दर्द हो रहा है, गरम चाय पी लूंगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। माँ मैं नहीं बना रही चाय, एक तो भाभी अपने मायके जाकर बैठ गई हैं, उनको कुछ होश भी है घर का, मैंने घर का सारा काम किया है, मैं बहुत थक गई हूँ। तो तुझे तेरी भाभी से तब तो बड़ी परेशानी होती थी, अब क्या हो गया, अब तो तुझे खुशी होनी चाहिए ना। मुझे अभी उस गरीब सुरभि भाभी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मैं घर के काम नहीं करना चाहती हूँ, और इसलिए आपकी गरीब बहू को यहाँ उनके काम के लिए बुलवा रही हूँ। तुझे शर्म नहीं आती है, तू अपनी भाभी को इतना उल्टा बोलती है, कभी ये सोचा है कि तेरी भाभी ने तुझे पलट कर जवाब दे दिया तब तेरी इज्जत क्या रह जाएगी, ये तूने कभी सोचा है? अब वो उस गरीब की मैं सुनूंगी माँ, आप भी ना उस गरीब के साथ रहते रहते पागल ही हो रही हो, अभी मैंने दो चार शब्द इंग्लिश में बोलने लगी ना तो आपकी बहू कांपती दिखेगी। हम अमीर हैं, लेकिन हमें कभी भी अपनी अमीरी का घमंड नहीं करना चाहिए। अरे अच्छे अच्छे राजा महाराजा सड़क पर आ गए हैं तो हम क्या चीज है। मुझे घमंड नहीं है अपनी अमीरी का, लेकिन मुझे मेरी गरीब भाभी बिल्कुल नहीं पसंद है, और ना ही कभी पसंद आएगी, जिसे पसंद है वो बैठा कर रखे अपनी गोद में उन्हें। दीपिका इतना बोलकर वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसके पैर में काफी ज्यादा चोट लगती है। जैसे ही ये खबर उसकी भाभी सुरभि को पता चलती है, सुरभि तुरंत अपने मायके से वापस आ जाती है। सुरभि अपनी ननद की काफी ज्यादा सेवा करती है, उसको जरा भी दर्द होता तो वो तुरंत आ जाती। कुछ दिनों बाद दीपिका को ठीक महसूस होता है और वो आसपास अपनी भाभी को ढूंढने लगती है। ढूंढते हुए वो रसोई में जाती है तो देखती है कि भाभी उसके पैरों के लिए लेप बना रही थी। ये देखकर दीपिका अपनी भाभी से कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा ही आपको आपकी गरीबी को लेकर नीचा दिखाया है, लेकिन आपने उस बात को अपने दिल में ना रखते हुए भी मेरी इतनी ज्यादा सेवा की है। तो क्या हुआ ननद जी, हम दोनों नंद भाभी हैं और ननद भाभी का रिश्ता तो ऐसे ही नोक झोंक वाला होता है ना, अब इसमें क्या बुरा मानना। भाभी आप बहुत अच्छी हैं, और देखना अब तक मैंने आपका जितना दिल दुखाया है अब आपको उससे कई ज्यादा खुशी भी दूंगी। दीपिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी भाभी से माफी भी मांगती है। उसके बाद कभी भी दीपिका अपनी भाभी के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आती। निहारिका की नई नई शादी हुई थी और वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। निहारिका का पति कुमार और सास मीना भी निहारिका को बहुत पसंद करते थे। ऐसे ही एक दिन जब निहारिका रसोई में खाना बनाते हुए रो रही थी, तो वहाँ उसकी सास आती है और उसको ऐसे देखकर कहती है, निहारिका बहू क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, कहीं लग गई क्या। नहीं नहीं माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, वो बस क्या बहू, बताना मैं तेरी सास नहीं माँ हूँ, मुझे तू अपनी परेशानियाँ नहीं बताएगी तो किसे बताएगी। माँ जी मुझे अपनी बहनों की याद आ रही है, मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती थी, जब से शादी हुई है उनसे मिल ही नहीं पाई हूँ। अरे बहू इतनी सी बात, तो बुला लेना अपनी बहन को यहाँ, कुछ दिन यहाँ रह लेगी तो तेरा भी मन लगेगा और घर में भी रौनक हो जाएगी। सच में माँ जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना अगर मैं उन्हें यहाँ बुला लूँ। हाँ हाँ नहीं होगी, चल अब आंसू पोछ और जल्दी से मुझे गर्मा गर्म चाय बना कर दे दे। निहारिका अपनी सास को चाय बना कर दे देती है और उसके बाद फोन करके अपनी बहनों को अपने घर आने का न्योता देती है। और शाम को जब कुमार घर आता है तो निहारिका उसके पास जाकर कहती है, सुनिए जी
मैंने अपनी बहनों को घर बुलाया है, तो जरा कुछ दिन की छुट्टी ले लीजिएगा, घूमने फिरने चलेंगे साथ में। वाह, मेरी सारी साहिबा आ रही हैं, ये तो खुशी की बात है। अरे ये भी कोई कहने की बात है, मैं ले लूँगा छुट्टी। कब आ रही हैं वो? कल शाम तक आ जाएंगी। आप कल आते ही कुछ खाने को भी ले आना। सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, आखिर जीजा जी के घर आ रही हैं, तो सब मिलेगा उनको। कुमार अपनी सालियों के आने से बहुत खुश था। अगले दिन सुबह वो खुशी खुशी ऑफिस निकलता है और मीना भी अपने रोज के कामों में लग जाती है। शाम होने पर घर की डोरबेल बजती है और निहारिका जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी पांच बहनें सोनम, करीना, करिश्मा, आलिया और सोनाक्षी होते हैं, जिन्हें देखकर निहारिका खुशी से उछलकर बोलती है, तुम सब आ गई, आओ आओ अंदर आओ, माझी देखिए मेरी बहनें आ गई, जरा बाहर आ जाइए। मीना जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो निहारिका के साथ पांच लड़कियों को देखकर कहती है, अरे बहू तेरी तो दो बहनें थी लेकिन ये तो पांच हैं, इतनी जल्दी संख्या कैसे बढ़ गई? माजी दो मेरी बहनें सोनम और सोनाक्षी और दो मेरी चचेरी बहनें करीना और करिश्मा और एक मेरी ममेरी आलिया, हम छो बचपन से साथ खेली कूदी है, इसीलिए जहाँ जाती है साथ जाती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ आओ बैठो सब। बहुओं को अपनी बहनों को बुलाने को कहा था, इसने तो पूरा मायका ही बुला लिया। बताओ पांच पांच बहनें? निहारिका पांचों का स्वागत करती है और चाय पानी देती है। इतने में कुमार घर आता है और हाथों में दो आइसक्रीम लिए अंदर आकर कहता है, निहारिका मैं आ गया, कहाँ है सोनम और सोनाक्षी, मैं उनके लिए। कुमार कुछ आगे कहता इससे पहले ही उसके सामने उसकी पांच सालियों का चेहरा था। वो उनके बीच खड़ी निहारिका को देखकर कहता है, निहारिका तुमने बताया नहीं ये सब आने वाली हैं, मुझे लगा बस सोनम और सोनाक्षी आ रही हैं। क्यों जीजू, हमारा ना आपको पसंद नहीं आया क्या? हाँ जीजू, हम भी तो आपकी साली हैं, आपको हम पसंद नहीं, आप तो बस हाथों में दो आइसक्रीम लाए हो, हम क्या खाएंगे। अरे अरे आलिया करीना, ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं पता था मेरी पांच पांच साली आ रही हैं, वरना तुम पांचों का तो ये इकलौता जीजा तुम्हारे लिए आइसक्रीम की पूरी दुकान ले आता। अच्छा तो अब ले आइए जीजा जी, वैसे भी हम अभी ही आए हैं और मौसम भी अच्छा है। अरे अरे रहने दे, अब मेरा मतलब कि अभी थका हारा काम से आया है, कल ले आइयो, वैसे भी तुम सब तो अब यहीं रहोगे कुछ दिन। कुछ दिन क्या आंटी, हम तो महीने भर रुक कर जाएंगे। देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के ही देता है, मैंने सोचा था मेरी दो साली आ रही है लेकिन यहाँ तो पांच पांच आ गई, सालियों से घिरा रहेगा ये जीजा। निहारिका अपनी बहनों के आने से खुश थी तो वहीं कुमार से उसकी पांच सालियाँ हर रोज एक नई डिमांड करती। ऐसे ही एक दिन सबका मूवी देखने जाने का प्लान बना, जिस पर करीना सबसे बोली, जीजू आप मेरी पसंद की मूवी की टिकट लो, सब वही देखेंगे। क्यों भाई, जीजा जी मेरे पसंद की मूवी दिखाएंगे सबको? क्यों जी, मैं सबसे छोटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई ट्रीट नहीं करोगे, मुझे भी पसंद है मूवी देखना। अगर तुम सब ऐसे करोगी तो मैं कैसे तुम सबके साथ मूवी देख पाऊंगा, कोई एक मूवी देख लो ना। ऐसा करो, इनको जो देखनी है उसकी टिकट इनको दे दो, हम दोनों मिलकर कोई दूसरी देखते हैं, एक ही जगह है, घूमना भी हो जाएगा और शो के बाद तो सब साथ ही होंगे। हाँ ये सही है। क्या सही है, ऐसे मैं अपनी पांच सालियों के साथ मूवी कैसे देख पाऊंगा। हे भगवान, ये पांचों भी ना यूँ नहीं कि कोई एक मूवी देख ले, अब मना भी नहीं कर सकता। कुमार सबको मूवी दिखाने तो ले जाता है लेकिन एक ही समय के अलग अलग शो दिखाने। ऐसे बेचारा अपनी पांच पांच सालियों के होते हुए भी अपनी बीवी के साथ ही मूवी देखता है, लेकिन मूवी से घर आते हुए जब निहारिका कुमार के साथ हाथों में हाथ डाले चल रही थी तो ये देखकर उसकी बहनें कहती है, दीदी आप जरा साइड हो जाओ, आप जीजा जी से मत चिपको, हम चलेंगे उनके साथ। सही कहा करीना ने, दीदी आप साइड हटो। तो बताओ जीजा जी आज कैसे लगी मूवी? मैं भी मुझे भी बताओ। अरे अरे बताता हूँ, माना तुम पांच हो लेकिन मैं तो एक ही हूँ तुम्हारा इकलौता जीजा, आराम से बताऊंगा। निहारिका की दो बहनें एक साइड से कुमार का हाथ पकड़ लेती हैं और बाकी की तीन बहनें दूसरी साइड से उससे चिपक जाती हैं और वो बातें करते करते आगे बढ़ने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि निहारिका पीछे रह गई है। ये सब देखकर निहारिका को गुस्सा आता है लेकिन वो गुस्से का घूंट पीकर चुप रहती है और सभी घर आ जाते हैं। उस दिन कुमार बाहर से सबके लिए अलग अलग पिज्जा मंगवाता है तो सभी अपने अपने हाथों में अपना पिज्जा का स्लाइस लिए बोलती हैं, जीजा जी
मेरा ये पिज्जा खाकर ट्राई करो, मैंने मंगवाया अचारी फ्लेवर। जीजू पहले मेरा, मैंने मंगवाया चीज पिज्जा। मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी अपने जीजू के हाथों से खाऊंगी पिज्जा। ऐसा है तो मैं कौन सा पीछे रहने वाली हूँ, मैं भी अपने जीजू को अपने हाथों से पिज्जा खिलाऊंगी। चलिए जीजू मुंह खोलिए। अरे अरे मेरी पांचों सालियों, एक एक करके आ जाओ, तुम पांच सालियों का एक जीजू इतना प्यार एक साथ ग्रहण नहीं कर पाएगा। निहारिका की पांचों बहनें अपने जीजू को अपने हाथों से पिज्जा खिलाती हैं। ये देखकर निहारिका को थोड़ी जलन होती है। साथ ही उसी समय कुमार भी अपने मुँह से खुद प्यारे प्यारे शब्द बोलकर निहारिका को और जला देता है। आज पता लग रहा है मेरी पांच पांच सालियां होने का फायदा। सच में तुम पांचों ऐसे ही खिलाती रहो, मेरा तो पेट कभी खाली ही नहीं रहेगा। हमारे होते हुए आपको खाली नहीं रहने देंगे जीजा जी। हाँ तुम पेट भरे रखना मेरे बेटे का, लेकिन तुम पांचों के खर्चे उठाकर मेरे बेटे की जेब तो खाली हो रही है ना। मीना मन में खुन्नस निकालकर अपनी बहू निहारिका को घूरने लगती है। तभी निहारिका अपने फोन को कानों पर लगाकर जोर जोर से कहती है, क्या माँ क्या हुआ? अच्छा तबीयत खराब है आपकी, चाची और मामी की भी? कोई नहीं, मैं करती हूँ इन पांचों से बात। फोन रखकर निहारिका अपनी पांचों बहनों से कहती है, सुनो माँ की तबीयत बहुत खराब है, साथ ही चाची और मामी की भी। तुम पांचों को वापस आने को कहा है, माँ ने बोला है आज शाम को ही भेज दे, उनसे खाना वाना नहीं बनाया जा रहा। ऐसा है तो दीदी हम चले जाएंगे, यहाँ कभी और आ जाएंगे, माँ से जरूरी कुछ भी नहीं है। मैं तुम पांचों के जाने की तैयारी करती हूँ। बताओ अब तो मुझे पांच पांच सालियों का सुख मिलना नसीब हुआ था और अब इनको वापस जाना है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। वाह बहू, आखिर अपनी बहनों की याद से तो बाहर निकल ही गई। जब भी बिना फोन आए ही तूने फोन आने का बहाना करके अपनी बहनों को वापस भेजने का इंतजाम भी कर दिया, आखिरकार एक बहन पर बीवी भारी पड़ ही गई। कुमार की पांच सालियों के साथ अच्छे दिन शुरू ही हुए थे कि उसकी बीवी ने उन्हें वापस भेज दिया। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।